सज्जन संत मिले वडभागी। मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, सच साह अमिता सेवा करी तुसाड़िया, सेवा करी तुसाड़िया। मैं दस्यो मिता, मैं दस्यो मिता, कोई हर प्रभु प्यारा दसे जियो, दसे जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, एक पिपल दे थले बैठा जगियासु, रंग से रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नहीं, पर अजे मिलया नहीं, अजे दर्शन नहीं होए, जप रहा है। एक दिन कोलो दी नारद भगवान लंघे, हाथ जोड़े नमस्कार कीती, आओ भगवान जी आया नू बैठो। नारद ने आखिया नहीं भाई फुर्सत नहीं, क्यों महाराज कोई ऐडे जरूरी कम जा रहे हो? आखन लगे हाँ वैकुंठ धाम चलिया भगवान दा दर्शन कर, दर्शन भगवान दा कर, मुड़ मत्था टेकिया, धन तुसी हो जेड़े जदों चावन जाके भगवान दा दर्शन कर लैन, असी तां दरवाजे दे बाहर बैठे हां इस उड़ीक विच के कदी तबुआ खोलोगे। जिवें आखिया है दर मंदे ठांडे दरबार, दुध बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, हुण बेपरवाह है किवाड़ खोले ना खोले ओदी मर्जी। धन तुसी हो जिन्हां कोई रोक टोक नहीं, जिस वेले चाहो मात लोक विच आ जाओ, वैकुंठ नू चले जाओ, भगवान दे दर्शन जाके करो। कदे साडे ते भी तरस करना, रहम करना भगवान, की चाहना रिखी, जी मैं चाहना भी मेरी बेनती भगवान तक पहुंचा दियो, खबर नहीं मैं रोज बेनतियां करना कदे कोई पहुंचदी है कि नहीं पहुंचदी। इतना चिट्ठी पाई कोई एक अखर भी सरनामे दा गलत लिखिया गया तो पता नहीं किथे गई, किसे दी गफलत नाल इधर उधर हो गई, ते दस्ती चिट्ठी जिहड़ा आखे मैं जांदा ही उत्थे पिया, फिर ते पक्की गल है भी जरूर पहुंचेगी। महाराज जे तुसी भगवान दे दर्शनां नूं चले हो तो मेरी बेनती जरूर करन। की आखां बस जी, यही पुछ के दसना मैनू आण के भई मैनू दर्शन कदों होएगा, कदों दर्शन होएगा। बहुत अच्छा, ये कोई बड़ी गल नहीं, मैं अपनी बात तो पहला तेरी बात चलावांगा और भगवान नू पुछ लांगा, और जांदे आ रस्ते विच तैनू दस भी जावांगा, होर कुछ बस महाराज बड़ी कृपा। नारद जी चले गए, जिस वेले भगवान दे चरण, जितने उस पिपल नू पत्ते हन इतने जन्म पाएगा ते फिर दर्शन होणगे। नारद दा रोण निकल गया, भगवान एडी लंबी तारीख, आखन लगे हां ये तां करमां दा हिसाब है, जेड़े रस्ते कोई तुरिया है वह पैंदा जितना लंबा है सारा करना पैंदा, कोई रियायत आखे नहीं। इस वेले नारद मुड़िया तो मन में सोचदा है उन्हूं की दसा, बेचारे दा दिल टुट जाएगा कि खबरे केड़ियां आसां लई बैठा। ख्याल तो असी भी चुप करके लंघ जावा, पर रिखी ने देख लिया, बज के आया ते चरणा ते डटा, नारद जी कोलों दी लंघ चले हो, वचन नहीं पाले अपना, तुसी आखिया सी जो वचन भगवान करनगे मैं तैनू दस के जावांगा,
नर दा फिर रोन निकल गया और रिखी जो जवाब भगवान ने दिता है वो तू ना पूछ। क्यों महाराज मेरी गल तो कीती सी ना के हां कीती जवाब कोई अखे जवाब दी तो गल पिया करना भी वो तू ना पूछ ना पूछेगा तो चंगा रहेगा क्योंकि तेरी आस तो बनी हुई है ना जवाब सुन के तेरी आस ही टुट जाएगी। महाराज हुक्म करो की आखिया भगवान ने जो कुछ आखिया मेरे कन्नी पाओ तेरे कलेजा थाम ले दिल ते हाथ रख ले रिखी एडा सख्त जवाब मैं कदे किसे नू आपने मुंह दिता नहीं परे तो हुण सुनेहा है भगवान दा तेरे तक जे तू जरूर लेना तो फिर ले ले पता ही भगवान ने की आखिया भगवान ने आखिया ए रिखी जिस पिपल दे दरख्त तले तू बैठा है जितने इस पिपल नू पत्ते लगे हुए हैं इतने जन्म पाएगा ता दर्शन होंगे ता भगवान आउंगे। महाराज एक बारी फिर कह नारद दा ख्याल सी भी सुन दिया बेचारा बेहोश होके डह पवेगा पर रिखी ने हथ चां जोरे नारद जी एक बारी फिर आखो भगवान ने की आखिया भाई भगवान ने आखिया जिस दरख्त दे तले तू बैठा है ना आ पिपल वेख ल किड्डा वड्डा मुड्डा और कितना इसका विस्तार है पते इस दे नाल पते कितने हन अखे अनगिणत गिने नहीं जाते बस ये जवाब है भगवान का भी जितने इस नाल पते हैं इतने जन्म पाएगा ते तां तैनू दर्शन होणगे तां असीं आवांगे। रिखी एडा प्रसन्न होया सुन के नचन लग पे वाह महाराज खुश कर दिता जे बड़ी कृपा कीती जे नारद ने आखिया शायद इन्हू समझ नहीं आई ताई एडा खुश पिया हुंदा ओए ते गल रोण वाली सी सुन के मेरा तो ख्याल सी भी इसके तौर ही भूल जाते आखन लगे समझ आई हूं अखे जी क्यों नहीं आई दोबारा इसे वास्ते पुछया भी कोई विच गलती ना हो जावे किते भुलेखा ना लग जावे पर हुण तां गल स्पष्ट हो गई अखे केड़ी रिखी ने आखिया आउणगे आउणगे ना नारद ने आखिया आउणगे जरूर पर इतने जन्म पाएगा अखे जी जन्मां दी गल छड्डो महाराज जन्म अगे थोड़े पाए हैं होर इतने पा लवांगा तां केड़ी गल है पर आउणगे तां सही ना ये तां उन्हां कहा ना भी आवांगे अखे हां ये तां उन्हां आखिया बस अखे इतना ही काफी है नचदा इधर जांदा टपदा उधर जांदा जी आउणगे जरूर आउणगे आउणगे वचन हो गया आउणगे। नारद ने आखिया बेचारे दा दिमाग चल गया पागल हो गया ये भी कोई गल हसण वाली है ते नचण कुदण वाली है आउणगे आउणगे गल विचली सुनदा ही नहीं अखे जन्मां दी गल छड्डो रिखी आ जितने पिपल दे पत्ते हन महाराज रहण दियो पत्तियां नू इतने जन्म पाएगा आखे फेर की हो गया इस नालों चौगने आखो तां वी पा लांगा पर जिहड़ी गल सिरे दी है ना भी आउणगे इह ते पक्की है ना तुसीं गवाह हो। नारद ने आखिया हां इह गल तां जरूर है बस मेरे वास्ते इतना ही काफी है जो जप तप करदा सी ना पहले उह तां गया सारा फुल इको ही जप जबान ते रह गया आउणगे 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 फिर सोचदा भला केड़े पासे आउणगे कदे सज्जे पासे मूंह करके बह जांदा है इधरों आउणगे कदे खब्बे पासे मूंह करके बह जांदा है इधरों आउणगे। अगे तां राती सौंदा सी हुण सौंदा भी कोई नहीं हुण ते लिव लग गई सहवाग दिन जिन्हां लिव लग गई तिन विचे माया पाया बस लिव दी लोड़ है जिथे लग जाए जहां जहां जिसकी लगन है तहां तहां उसका राम लगन जरूर है जे लगन ना होवे तो राम कितो भी नहीं पर जे लगन होवे साध संगत लगन लग गई सूरदास नू मिलवा मंगल नू कंजरी नू वेख के मोहित हो गया ऐडा प्यार आयो सुई रोज उसे वेले नदी दे किनारे ते आण बवे जो पारले किनारे कंजरी नाउन आउंदी सी ए दूजे किनारे बैठा वेखदा एक दिन वो आई ना सोची उस अज क्यों नहीं आई अज मैं देखिया नहीं अपने प्रीतम नू किवें जावां ते वेखां ताहीं जे नदी दे किनारे आया ते अगे एक मुर्दा अटकिया किसे ने रोड़िया सी पानी विच अटक गया उत्थे भुल गया के ए मुर्दा है आखन लगा मेरा प्रीतम कैसा है जिन्हें मैनू बेड़ी भेज दित्ती है भई मैं अज नहीं आ सकदी ते तू इहदे उत्ते चढ़ के आ जा डुबण का भाव नहीं लगा
ख्याल नहीं आया कि मुर्दा शरीर है कोई, उसनू बेड़ी समझ के उत्ते चढ़ बैठा। इस वेले पारले किनारे पहुंचया ते फिर उसके घर आया। सामने बुआ तो सी बंद वेला रात का, कितनी कदूरों खबरे आया सी। सोची उस कोई विद जरूर बनाई हो सी मेरे आवन दी, जिन्हें बेड़ी भेजी है उन्हें कोई रस्ता भी खोलिया। उसी पिछले पासे बारी वाल तकिया, जाने ता रस्सा लटक रहा है। ठीक है, लोगों तो चोरी, लोग नहीं ना वेख सकते किसी के सच्चे प्यार नु। इस वास्ते इसने बारी चों दी रस्सा लमका रखे है, भई जे आवे तो इस रस्ते आ जावे। साध संगत वह रस्सा नहीं सी, वह सप सी, पर इनू सप भी सप ना जापिया। रस्सा जान के उन्हू फड़ के उत्तों चढ़ गया। वह सुती पई है, जा जगाया, तू अज नदी ते नहीं आई। उन्हें आख्या तू आया किवें, मैं तू बेड़ी जो भेजी सी, मैं नहीं भेजी। खैर मैं बेड़ी ते ही आया, मैं सोचिया तू ही भेजी होनी है। ते अंदर किवें आए, आखे तू रस्सा जो बनिया सी बारी दे नाल। उन्हें आख्या मैं रस्सा भी नहीं बनिया, जां उलर के वेख्या वह सप काला। विश्वा ने आख्या लानत है तैनू, एडा प्यार मेरे नाल कीते इस रूप दे नाल, जो चार दिन बाद मिट्टी च मिल जाएगा। फरीद ने आखिया जिन लोइन जग मोहया से लोइन मैं डिठ, जिन लोइन जग मोहया से लोइन मैं डिठ, कजल रेख न सेंदियां से पंखी सुए बैठ। हुसन नू मैं खाक होंदिया वेख्या, तू इस हुसन ते मरिया, इस सूरत ते मोहित होए हैं, जो चार दिन बाद मिट्टी च मिल जानी है। आ प्यार जे किते भगवान नाल कर दो, खबरे किथे पहुंच दो। इन्हें कांटा बदल दिता, सचमुच मैं सपनू फड़ के उत्ते चढ़ आया और सपने मैनू डंगया नहीं। सचमुच प्यार है तो उच्चा सुच्चा, पर असी इस प्यार नू मिट्टी विच मेलिया होया। जितना प्यार असी तियां पुत्रां ते परिवार नाल करदे हां, इतना गुरु नानक नाल किथे करदे। जितना प्यार असी धन दौलत नाल करदे हां, इतना गुरु नानक दे चरणा नाल किथे करदे। ताईं भाई साहब आखदे ने एडी लगन नाल ए बंदा माया दे पिछे भजिया फिरदा, एडी लगन नाल कदे संगत विच आ जांदा ना। जैसे मन लागे पर धन तन दुखन लो, श्री गुरु सरन साध संगत न आवे। जिवें ए मन दूजे पासे लगदा है, जे किते इस पासे लग जांदा, पर ए कांटा कौन बदले। ए कुंजी महापुरखां दे हत्थ है। साध संगत बोलो श्री वाह। बड़े बड़े फणियर सप मैं कीले होए वेखे हन बाबा जी दे पास, ए उन्हां दा ही कम सी। ए वड्डे मांदरी दा कम है, जो सप नूं हथ विच फड़ लैणा ते सप बेचारा बेबस हो जाए, डंग ना मार सके। ए उसे शेर मरद दा कम सी, जो कोई आया उसका जीवन ही पलट दिता, उन्हूं उस कम जोगा रहन ही नहीं दिता जो पहले करदा सी। साध संगत बोलो श्री वाह। उस अंदर एक लगन ला दिती है, हुण भावे ना भी कर सके, पर ना करके पिछो रोंदा है मैं नहीं कीता। जिन बाबा जी नूं उस वेले नहीं पछाणिया, अज रो रहा है कि मैं ना पछाणिया। ये लगन है ना, चेटक है, लगन तो ही तो राम है। जिथे लगन नहीं उथे राम किथे। साध संगत बोलो श्री वाह। फिर भगत हो गया, बिलवा मंगल भगत बन गया। विश्वा ने आखिया मैं तो जानती नहीं, पर सुनिया है भगवान कृष्ण, जे उहदे चरणा नाल प्यार करिए तो कितने दा कितने पहुंच जाईदा। बहुत अच्छा, मैं हुण उसे नाल प्यार करांगा। विश्वा तू मेरी अखां खोल दित्तियां हन। हुण ते ए फिर साधु हो गया, लोकी प्यार करदे हन, क्योंकि इसदी बाणी विच मिठास है, इसदे बोल सुखावे हन। लोग समझदे हन वी ए कोई बड़ा साधु है। एक दिन एक सेठ घर लै गया, चलो महाराज अज भोजन मेरे घर पाओ। चल भाई प्यारे, अज एडा प्यार कर दें तो चल। सेठ घर ले आया, घर वाली नु आखिया संतान नु प्रसाद छका, मैं कुछ सामान लियावा होर बेटा करन वास्ते। ओ ते बाजार गया ते पिछों सेठानी नु वेख्या ते मन मर गया, मन मोहित हो गया, मन कुराहे पै गया। तलवार तो सी सोने दी बन गई, अजे तार नहीं सी गई। जिस वेले मन बदल गया ते अखां विच
नजर होर हो गई। सात संगत बोलो श्री वाह। सेठ आ गया, सेठानी ने आखिया तू जिन्हों घर ले आया है संत नहीं, ये साधु नहीं, इसका तो मन पापी है, इस दी अखां विच मैं मैल वेखी है। उन्हें आखिया नहीं, संत परीख्या कर दे ने शायद तेरा इम्तिहान लिया होवे। हाथ जोड़ के बोलिया महाराज जे ए सेठानी आपनू पसंद आए तो हाजिर है। आखन लगा लानत है मैनु, धन ए भगत है जिसने परमेश्वर दे नाम तो उसके संत तो भावे अखौती हाँ ते भावे बनावटी हैं। असल प्यारा ए है भगवान दा, मैं किथे प्यारा हाँ, मैं तो भगवान दे नाम दा आउते चोला पाया, अंदरों तो मैं उही चोर हाँ। आखन लगा सेठ जी रोटी मैं पिछों खावांगा, पहला एक सूआ लिया दियो। सूआ की करोगे सेठ जी? लोड़ है। सेठ ने जानिया खबर नहीं क्यों लोड़ है, सूआ लिया के दिता तो उन्हें झट चुके अपनी अखां च मार लिया। वो महाराज की कीता जे आखे इन्होंने बुलाया सी, इन्होंने पाप पासे प्रेरिया सी, हुण मैं इन्हां नूं कढ दिता है, हुण इन्हां जहान वेखण गईआं ते ना रूप वेख के मोहित होण गईआं। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਗਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੇਠ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਸੇਠ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਕਰ। महाराज सदा व्रत लगा होया, छेत्र चल रहा है, आपनू भी जे भुख होवे भोजन ले आवां। लिया भाई उन्हें थाल परोस के लिया, सूरदास रोटी खा रहा है ते ओ बालक कोल बैठा है, गल्लां कर रहा है, गल्लां केडियां मिठियां। अचानक सूरदास नू अनेरियां अखियां विच कुछ चानण जाप गया, अंदरले पासे हिरदा कुछ रोशन होया मालूम हुंदा है, आ जिहड़ा गल्लां पिया करदा है ये बालक नहीं, बच्चे दियां गल्लां एडियां मिठियां नहीं होंदियां। किसे वेले कोई गल मूर्खता दे वी बच्चा कर जांदा है, पर इह ते गल्लां ऐसियां कर रहा है जो कलेजे विच खुब रहियां हन। अगला दिन होया, मुड़ रोटी ले आया, फिर खादी, फिर ख्याल आया ये बालक ऐसा नहीं मालूम होंदा, कोई जरूर विच भेत है। जाती ये दिन बालक ने रोटी लियांदी ते रखण लगा, सूरदास ने बाह फड़ ली, या बाह फड़ ली तो बाह छुड़ा ली। सूरदास के हथ खाली रह गए ते हथ विच बाह ना रही। उस वेले सूरदास नूं पता लग गया ये बालक नहीं ये भगवान है। रो के आंदा बाह छुटकाए जात हो, निबल जान के मोहे, मैं कमजोर जो होया, मेरा बल जो थोड़ा होया, और तुसी होए सर्व कला समर्थ, बाह छुड़ा ली जे केड़ी वड्डी गल होई। छुटकाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब निकस जाओ मर्द गिणूगा तोहे। जदों नाम जो मैं हृदय विच लई बैठा तेरा, जदों ए निकल गया ना मेरे हृदय विच और तू कट लिया, ता मैं जानागा तू बड़ा जोरावर है। उस वेले भगवान प्रगट होए ते सूरदास नु अखां भी दित्तियां वेखण वालियां ते आखिया सूरदास मैं नाम नहीं कट सकदा हृदय च, जिन्हों दे देवां इक वारी मुड़ लै नहीं सकदा, और नाम दे बंधन विच बद्धा ही तो मैनू आउणा पैंदा, जे कोई नाम ना जपे तो मैनू कित्थों पावे। सात संगत बोलो श्री वाह। तो ए है लगन, आखिया जहां जहां जिसकी लगन है तहां तहां उसका राम। तो लगन लग गई, आउणगे ना नारद जी सच के आ जे, भगवान ने आखिया सी आवांगा, ओ वही आउणगे तां जरूर, ए बचन है उन्हां दा और मैं हां गवाह, मौके दा गवाह, मेरे सामने उन्होंने आखिया। पर विचली गल तू सुनदा ही नहीं, तेनू की हो गया है? आ जिहड़ा वृक्ष है ना पिपल दा, जितने पत्ते महाराज मुड़ मुड़ क्यों दुरांदे हो, छड़ा इन्हां पिपल दे पत्तियां नू, इह ते पिपल दे पत्ते लगदे रहिंदे ने ते नाल टुटदे रहिंदे ने, कदी तां पत्ते इतने भरपूर हुंदे ने कि अणगिणत, पर जी कदे ओह रुत भी आ जांदी है पिपल नाल इक भी पत्ता नहीं रहिंदा। तुसीं पिपल दे पत्तियां दी गल छड्डो, इह दसो वी आउणगे? अखे आउणगे। नारद तां चला गया ते उसका जप तप यही हो गया, बस आउणगे आउणगे जरूर आउणगे जी, उन्होंने कह दिता सी आवांगे आउणगे। रुत सियाल दी आ गई,
तेज हवावां चल रही ने बसंत रुत तो पहला जिन्हों पत जड़ आख देखन। नारद फिर उतों की लंघिया तो की तकिया और रिखी लेटिया होया और भगवान दे चरणा उत्ते उसका सिर ते भगवान झुके हुए हैं उसके सिर न पलोस रहे हैं। उठ बेटा उठ मेरे लाल उठी मेरे लाडले चरणा लिपटिया हो। नारद ने अखा मलिया मुड़ खोलिया मुड़ मिटिया मुड़ खोलिया मैं सुपना तो नहीं वेख रहा पर नहीं ये तो प्रतक सी। ता नारद अगे आया महाराज तुसी हो। नारद ठहर जा रिखी नु सुरत विच लियांदा गल नाल लाया प्यार कीता गोदी विच बिठाया ते आखिया हुण नारद कहो की आखण लगा सी। नारद ने आखिया अंतर जामी हो जानदे हो सब कुछ पर मैं फिर भी पुछदा हां तुसी ते आखिया सी जितने पिपल दे पत्ते हन इतने जन्म पाएगा ता इस नु दर्शन होणगे ते इसे जन्म विच दो चार महीने भी ना पए ते तुसी आ गए किस कारण। उंगली दा इशारा करके आखिया नारद पिपल नाल कोई पत्ता है। आखे नहीं किधर गया के हवावां ने चाड़ दिते। आखन लगे इसे तरह जिथे प्यार दा हर आ जांदा है उथे जन्मां दी मैल धोती जांदी है जन्म नहीं रहिंदे। ताईं साहिब आखदन असुन प्रेम उमारा। अज असू दी संग्रांद है असू दा महीना चढ़िया किते साढ़े अंदर भी प्रेम दी कांग चढ़ आवे ते साढ़े भी जन्मां दी मैल धोती जाए। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए आखे है मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए कौन मिलावे आखे संत सहाय प्रेम के हाँ तिन के लागू पाए जी असुन प्रेम उमाहड़ा। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए। असुन प्रेम उमाहड़ा हर जाए दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए कोई आन मिलावे माए कोई आन हर जाए।